पिछले कई महीनों से बट स्पेशली आखिर के कुछ हफ्तों में आप लोगों ने G20 के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, आपके न्यूज चैनल्स में हो। इनफैक्ट G20 को लेके दिल्ली में बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, टू अ पॉइंट वेयर सितंबर 8 से सितंबर 10 तारीख तक बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस एंड बहुत सारी चेंजेस लाई गई हैं दिल्ली के अंदर, बिकॉज यहाँ पे कई सारे स्टेट्स के, कई सारे कंट्रीज के हेड ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर्स एज वेल एज उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स इंडिया में आने वाले हैं टू होल्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं, ऑल अंडर दिस नेम ऑफ G20। तो हमारे लिए मेन क्वेश्चन यही है कि ये G20 है क्या, what does this body do, इनका एक्चुअली में काम क्या है, इनका ये इंडिया की प्रेसिडेंसी G20 में आना, what does that mean to us? तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल चर्चा कर ली जाए। Now, हम जब G20 की बात करते हैं, the very first thing that should come to your head is कि how do the world see G20? How does the world see the G20? G20 को किस तरह देखा जाता है? अगर आप उनके वेबसाइट पे जाओगे, they say that the group of 20, यानी कि G20, is a premier forum for international economic corporation. तो इसी नाम से क्लियर है कि ये जो G20 है, it's an economic body, it's an economic forum. So maximum इनका जो काम होगा, that will be related to global finance, global economic issues, right? So that is the first point that we need to keep in mind, कि this is an economic body. बट ये जो इकोनॉमिक बॉडी है, इसकी शुरुआत हुई कहां से थी? नाउ बिफोर इट वॉज अ G20, इट वॉज अ G33, अ G22, अ G8, अ G7, अ G6, एंड G6 ही था जहां से एक्चुअली शुरुआत होती है इस G20 की। बट ये सारी चीजें वॉजंट लाइक कि बहुत सारी कंट्रीज ने आके मिलके बोला कि यू नो वी नीड टू लुक इनटू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। देयर वाज एन आइडिया, ऐसा नहीं था। देखो, वन थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, कि इतिहास में जब भी कोई बड़ी बॉडी बनाई जाती है, वो बनाई जाती है टू टैकल अ क्राइसिस। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रिवेंट फर्दर वॉर्स थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिसआर्ममेंट। जब भी कोई क्राइसिस होता है, चाहे वो लीग ऑफ नेशंस हो, यूनाइटेड नेशंस हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंसेस हो, ये सारी की जाती हैं टू टैकल अ क्राइसिस। एंड वही चीज था, वही क्राइसिस था दैट गॉट द G6 ऑन बोर्ड। G6 की शुरुआत होती है अराउंड द 1970s, एंड अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, you would know that 1970s was a very problematic time period. क्यों? Because the whole world went through two big economic crises. This जो सबसे पहला crisis था 1970s का was the oil shock of 1970s, and दूसरा था the collapse of the Bretton Woods का जो fixed exchange rate system है वो. And अगर हम इन दोनों चीजों की detail में जाएंगे तो this video will become very long. So I'll just try to summarize both these two events in short. Number one, the oil shock of 1970s. The American automobile, for so long the symbol of America's wealth and extravagance, is dying. New cars and used cars stand like shining tombstones in the showrooms and parking lots of the nation's car dealers. 1948, unloved, when we are coming out of the World War, jab World War khatam ho chuka hai, now we are looking at stabilizing the whole world economy. Us time period mein allied forces ne kya kiya, jo British territory thi Palestine ki, उसमें से एक चंक निकाल के उन्होंने बोला कि जितने भी डिसएनफ्रेंचाइज्ड ज्यूज थे, जिन ज्यूइश लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, उनके लिए हम एक कंट्री बनाते हैं और इस कंट्री को नाम देते हैं इजराइल, एंड दे मेड दैट कंट्री। नाउ द प्रॉब्लम वाज, जहां से ये काट के कंट्री बनाई जा रही थी, दैट वाज एन अरब प्रोविंस। तो इसकी वजह से द अरब कंट्रीज नेवर एक्सेप्टेड द स्टेट ऑफ इजराइल। इनफैक्ट If you want me to make a video on the two states of Israel and Palestine, let me know in the comments down below and we can have a full-blown discussion on it as well. Uske upar bhi bahut badi charcha kari ja sakti hai, but abhi ke liye let's talk about this whole situation. Arab countries ne kabhi bhi accept nahi kiya tha Israel ke is position ko. To dheere dheere bahut sare sporadic revolutions hote hain, revolts hote hain, thodi bahut conflicts hoti hain, to a point where it turns into a full-blown war on the day of Yom Kippur. Yom Kippur एक होली डे होता है फॉर द Jewish पीपल।
So in October 1973, a full-blown war breaks out jab Egypt and Syria, they start attacking Israel. Abhi ye jo Egypt aur Syria hai, they were being backed by the Soviet Union. Soviet Union back kar raha tha hamare Egypt aur Syria ko. Ab ye wahi time period hai jahan pe the Cold War is in full flow. There's a complete tension happening between US and Soviet Union. तो जब यहां से सोवियत यूनियन हेल्प करना शुरू करता है इजिप्ट और सीरिया को, यूएस कम्स इन टू एड इजराइल एंड यहां पे एक प्रॉक्सी वॉर अगेन शुरू हो जाता है इन दिस स्मॉल स्टेट ऑफ इजराइल। अब यहां पे ऑयल क्राइसिस कहां से शुरू होता है? वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में मैक्सिमम कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प देने वाला जो कंट्री था वो था मेरा यूएस। यूएस ने जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व से इनको गोल्ड निकाल के दिया, इनको पैसे दिए और इन्होंने इनको इक्विपमेंट्स दिए, वेपन्स दिए, एवरीथिंग दैट दे कुड प्रोवाइड द यूएस वाज प्रोवाइडिंग। इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी यूएस की अच्छे से बूम करने लगी। सो थ्रू आउट द वर्ल्ड वॉर पीरियड एंड पोस्ट द वर्ल्ड वॉर पीरियड एक कंप्लीट इकोनॉमिक बूम चल रहा था यूएस में, टू अ पॉइंट वेयर इनकी पब्लिक पॉलिसी ही बन गई थी उनके गवर्नमेंट की कि लोगों को बोलो खर्चा करें, जितना खर्चा कर सकते हैं करें। तो इसके लिए क्या हुआ, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स स्टार्टेड मेकिंग मोर मोर थिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनने लगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगे, लोन्स इजीली मिलने लगे एंड ये सारा इन्वेस्टमेंट चलता रहा व्हाइल ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग। सो अगले 10-15 साल ये सारी चीजें चल रही है। सो फ्रॉम 1940s 50s से लेकर 1970s तक अमेरिका का इकोनॉमी बूम हो रहा था, टू अ पॉइंट वेयर हर घर के पास अपनी एक गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी। उस टाइम पीरियड की अगर आप गाड़ियों को देखोगे, दोज वर लाइक मसल, बिग बिग मसल कार्स लाइक शेवीज एंड कॉर्वेट्स एंड इन सारी चीजों की वजह से द ऑयल कंजम्पशन एंड द फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन वॉज वेरी हाई, टू अ पॉइंट वेयर धीरे धीरे यूएस का जो अपना फॉसिल फ्यूल रिजर्व था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। अब जब वॉर शुरू होता है यहाँ पे यॉम किपुर का इन अराउंड 1973, इन अक्टूबर 1973, यूएस को हवा लगती है कि ये जो हमारे अरब कंट्रीज हैं, स्पेशली दी ओएपेक विच इज दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये एक एम्बार्गो बिठाएंगे यूएस पे, जहां पे वो अपना ऑयल प्रोवाइड नहीं करने वाले। बट उस टाइम पीरियड का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, उनको लगा कि वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ अरब ऑयल, हम सबसे ज्यादा सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं अरब ऑयल के, तो ये हमारे ऊपर अगर इस तरह एम्बार्गो लगाएंगे तो इनकी अपनी इकोनॉमी डूब जाएगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बट टू देयर सरप्राइज ऐसा ही हुआ। By the early 70s, 83% of America's oil imports came from the Middle East, creating an unhealthy dependency. Energy security is part of the energy policy for any country in the world, but before 1973, the US didn't seem to be very much preoccupied by this particular part of the energy policy. Nobody was so much thinking about the potential negative outcomes of this import dependency. When war broke out, news headlines were dominated by the Arab oil producers' attempts to use this dependency to force a change in America's foreign policy. Right after the war broke out, the OAPEC, they declared an embargo against Netherlands and United States, jo overtly support mein the Israel ke, and immediately this reflected into the economy of the whole world, but more so for US. लोग पेट्रोल खरीद नहीं पा रहे थे, टू अ पॉइंट वेयर गवर्नमेंट ने खुद डिक्लेयर कर दिया था कि भाई संडेज को आप गाड़ियां मत चलाना। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स थे जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम फुल गैलन ऑफ गैस दे ही नहीं सकते, आपकी गैस की टंकी, आपकी ऑयल की टंकी, गैसोलीन की टंकी हम भर ही नहीं सकते, हमारे पास ऑयल ही नहीं है इतना। सो दैट क्राइसिस ऑब्वियसली, जैसे जैसे अगर आपके पास ऑयल आना बंद हो जाएगा, आपको सी ऑयल इज नॉट द ओनली कंपोनेंट दैट इज यूज्ड फॉर दैट इज मेनली यूज्ड फॉर व्हीकल्स। आपका जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अंदर जितना भी इंट्रा इंटर ट्रेड हो रहा है बिटवीन योर स्टेट्स, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल। आपने खुद देखा होगा जब इंडिया में ऑयल क्राइसिस होता है, हर चीज का दाम बढ़ता है, स्पेशली खाने का दाम बढ़ता है, सब्जियों का दाम बढ़ता है। सेम थिंग वॉज हैपनिंग देयर। So the prices kept on increasing, they went into a crisis. And ये जो crisis है, this was felt by all over the world. अब यौम किपुर का वॉर धीरे धीरे खत्म हो गया, बट ये एम्बार्गो को खत्म होते होते और टाइम लग गया।
एंड बिकॉज दिस क्रिएटेड अ कंप्लीट एनर्जी क्राइसिस, इसकी वजह से पहली बार लोग बात करने लगे अबाउट रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल्स, अबाउट taking going towards renewable energy वगैरह वगैरह. So again, all these measures are coming in a crisis. तो ये पहला जो crisis था, that became a very huge problem. दूसरा था the collapse of the Bretton Woods fixed exchange rate system. अब again, this is a very technical sort of a thing, which again, if you want me to make a separate video, let me know. We'll have a full blown discussion on that as well. But अगर संक्षिप्त में बोला जाए तो ये जो Bretton Woods का conference था, जैसे ही World War खत्म होता है, लोग पाते हैं कि पूरी की पूरी जो वर्ल्ड का जो गोल्ड रिजर्व था उसमें से हाफ से ज़्यादा तो यूएस के पास चला गया था, बिकॉज मैक्सिमम कंट्रीज गोल्ड रिजर्व दे दे के इनसे चीज़ें खरीद रही थी वॉर के लिए. तो इतना ज़्यादा गोल्ड रिजर्व होना उस टाइम पीरियड पे इन लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स डू वन थिंग. मैक्सिमम कंट्रीज़ की जो करेंसीज थी उनको गोल्ड के साथ वैल्यू किया जाता था, कि अगर मान लीजिए आपकी कंट्री की इकोनॉमी 1 बिलियन है, इसका मतलब देखो वो 1 बिलियन का कोई महत्व नहीं है. यू नो द करेंसी दैट यू हैव, द फिएट पेपर मनी जो आपको मिलता है, उसकी वैल्यू कहाँ से आती है? उसकी वैल्यू आती है बिकॉज आरबीआई सेज दैट इफ इट्स 100 रुपी का नोट, आरबीआई सेज कि अगर आप ये 100 रुपी का नोट मुझे ला के दोगे, देन आई ओ यू दैट 100 रुपीज. सो इट्स एन आई ओ यू कि मैं आपको ये दूंगा अगर आप मुझे ये नोट ला के दोगे. बट लिटरली वो क्या है? वो एक पेपर का टुकड़ा है, उसका अपना कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है. तो मैक्सिमम इकोनॉमीज क्या करती थी? अपनी इकोनॉमी को, अपना जो पैसा है उसको पेग करती थी थ्रू गोल्ड. सो लाइक आई वाज सेइंग कि अगर आपके पास 1 बिलियन अपनी करेंसी है, तो इसका मतलब आपके पास उस 1 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड आपके रिजर्व्स में रखा हुआ है, एंड उसी से उस आपकी करेंसी की वैल्यू आ रही है. बट बिकॉज उस टाइम पे गोल्ड खत्म हो रहा था, लोगों ने सोचा कि वी नीड अ बेटर सिस्टम. तो उस टाइम पे ब्रेटन वुड्स का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएस में, उन्होंने डिसाइड किया कि देखो यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, तो क्यों ना यूएस की करेंसी जो गोल्ड के साथ पैक्ड है डॉलर, उस डॉलर के साथ आप लोग अपना करेंसी पैक कर लो, बिकॉज आप लोग इतना गोल्ड रिजर्व रख ही नहीं सकते हो. फास्ट फॉरवर्ड थ्रू टाइम, धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमीज रिकवर करती गई, वो और ज्यादा डॉलर बॉन्ड्स खरीदने लगी. अब गोल्ड जो था वो लिमिटेड था, बट यहाँ पे जो डॉलर था, बिकॉज वो गोल्ड के साथ पैक्ड हो रखा था, अब यूएस के पास दो ऑप्शंस थे. या तो वो ये जो बार बार डॉलर अपने यहाँ से निकालते जा रहे हैं बेस्ड ऑन द गोल्ड, उसको निकालना बंद कर दे, बिकॉज वहाँ से अब ड्रेन हो रहा था, सारी इकोनॉमीज रिकवर कर रही थी और सब लोग अपने गोल्ड के, अपने करेंसी के इक्विवेलेंट डॉलर यहाँ से निकाल रहे थे. तो या तो वो अपना सारा ये डॉलर का गोल्ड वो डिप्लीट कर दें, या वो नए नए करेंसीज और प्रिंट करने लग जाएं. अब अगर वो नई करेंसीज प्रिंट करती तो क्या होता? डॉलर का और गोल्ड का जो एक्सचेंज रेट था, जो उस टाइम पे था $35 पर आउंस, वो चेंज हो जाता. तो इसकी वजह से बाकी की इकोनॉमीज ने भी यही देखा कि भाई अगर इन लोगों ने डॉलर डिवैल्यू कर दिया इस टाइम पीरियड पे, बिकॉज इनको क्राइसिस लग रहा है, देन हमारी करेंसीज को इफेक्ट पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस एक्चुअली में. जब ये क्राइसिस हुआ, द यूएस वेंट अहेड एंड डिवैल्यूड इट फ्रॉम 35 to 38 cents, जिसकी वजह से धीरे धीरे सारे के सारे प्राइसेस चेंज होने लगे. एंड ये बिकॉज एक यूनिलैटरल डिसीजन था, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉलर को हटा दिया, उन्होंने डॉलर के साथ अपने करेंसी को रेट करना हटा दिया और एक फ्री फ्लो एक्सचेंज रेट में आ गया. एंड इसकी वजह से द होल ग्लोबल इकोनॉमी वेंट इनटू अ डामाडोल. अगेन दिस इज मी ट्राइंग टू समराइज इट इन अ वेरी शॉर्ट स्मॉल वे, बट इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ डिटेल वीडियो लेट मी नो. बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो पूरा का पूरा जो गोल्ड से पैक्ड से जो डॉलर सिस्टम था, जिसके थ्रू डिफरेंट करेंसीज पैक थी, ये पूरी की पूरी टूट गई. एंड दिस हैपन्स ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड. सो ये जो ऑयल क्राइसिस हिट कर रहा था ड्यूरिंग द 1970s एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम द एक्सचेंज रेट क्राइसिस हैपन्स, इसकी वजह से ये 6 major इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज डिसाइड करती हैं कि बॉस वी नीड अ सोल्यूशन, वी नीड टू हैव अ सोल्यूशन, वी नीड टू कम एंड सिट टुगेदर एंड सी कि इस टाइप की ग्लोबल क्राइसिस हमको इस तरह इफेक्ट ना करे. तो ये जो आइडिया था कि हम लोगों को एक साथ बैठना है, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है इस तरह ना हो, उस आइडिया को कॉन्क्रेटाइज किया गया था उस टाइम पीरियड के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, उन्होंने स्पेशली विद द हेल्प ऑफ द जर्मन चांसलर हेलमुट श्मिट. सो वी हैव वी जी डास्टेन एंड वी हैड हेलमुट श्मिट, जिन्होंने मिलके द
they wanted to sit down and they called these head of states of the government of France, West Germany, US, Japan, the United Kingdom and Italy. Ki aap log aao, let's have a discussion and let's see where we can take this economy forward, the global economy forward. Aur ye sab ho raha tha in a place called Rambouillet, jo Paris se kareeban 50 kilometer dur hai. To wahan pe, when these six economies came together, unhone ek declaration sign kiya, which was known as the Declaration of Rambouillet. And then finally, in 1975, they started this whole system of G6. Ab agle saal, 1976 mein, Canada comes in and they join in and that makes it the G7. Aur ye G7 jo thi, ye major body ban jati hai, which starts discussing about the global economic phenomena. Now, when I say they discuss, usually kya hota tha? It was not only the head of states, us time period pe jo inke finance ministers the, inke jo central government, central bank ke jo governors the, the idea was that all of these people will take part in these discussions. Aur this will be like a body that decides ki kis tarah hamari jo global economy hai wo kis direction mein jayegi, kya crisis aage aa sakte hain, nahi aa sakte hain, all of that. Now, moving forward from here, jaise hi around the 1990s, 1991, hamara the whole Soviet Union breaks down, the West Germany, East Germany conflict breaks down, the G7 invites Mikhail Gorbachev ki aap aaiye, let's have a communication. So, him being the General Secretary of the Communist Party of Soviet Union, he comes and he attends the talk in London in 1991. Aur us time period ke baad, Russia ko काफी बार इनवाइट ऑलमोस्ट रेगुलरली ही इनवाइट करा जाने लगा पैरेलल टू G7 समिट जब भी होता था एंटिल 1998 जब फाइनली रशिया वाज मेड पार्ट ऑफ द G7 वेयर इट बिकेम द G8 बट अगेन ये कोई इन लोगों की इट वाजंट लाइक अ गुडविल कि हां हां लेट्स रशिया मेक रशिया पार्ट ऑफ द G8 नो 1998 वाज आल्सो अ वेरी बैड ईयर एंड we also had a major crisis. And ye jo G7 tha, that sort of understood ki hum sirf 7 countries ya 8 countries milke ek puri ki puri global economy ko nahi dekh sakte. And the reason why they were proven wrong was because of the 1997 crisis, which was also known as the Asian crisis or the Asian financial crisis of 1997. Ha! Now, the Asian financial crisis of 1977 is also an amazing thing to talk about, but I won't go in too much details. Basically, ho kya raha tha us time period mein, right before the crisis happens, the crisis of 1997, usse pehle, the year before that, 1996 mein, Asia ko, especially Asia ki jo emerging economies thi, jaise South Korea, Philippines, Indonesia, inko dekha jata tha as the booming economies. इनका सबका ऑलमोस्ट जीडीपी रेट जो था वो 8% से ज्यादा था, ग्रोथ प्रोजेक्शंस बहुत पॉजिटिव थे, बहुत अच्छे थे, टू अ पॉइंट वेयर वर्ल्ड बैंक ने एक पेपर पब्लिश किया था कॉलिंग इट द ईस्ट एशियन मिरेकल. अब देखो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जिनको बनाया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम पीरियड पे, ये दोनों बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक बॉडीज हैं और इन दोनों के वजह से ये लोग जो भी कहते हैं उस चीज को हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में बड़े ही पॉजिटिवली देखा जाता है. सो व्हेन वर्ल्ड बैंक सेड कि यू नो व्हाट ईस्ट एशिया में दैट्स द मिरेकल राइट देयर, वहां पे एक देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर हैपनिंग एंड दिस ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर बिकॉज अगेन 1991 वी एंटर ग्लोबलाइजेशन, हम ग्लोबलाइजेशन को एंटर कर जाते हैं एंड नाउ वी आर लुकिंग एट अ ग्लोबल लेबर इंडस्ट्री जहां पे लोग अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे कंट्री में करा सकते हैं जहां पे लेबर चीप हो, रॉ मटेरियल्स चीप हो. एंड उस टाइम पीरियड पे ईस्ट एशिया वाज बिकमिंग दिस हब, चाहे वो थाईलैंड हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, साउथ कोरिया हो, दे वर बिकमिंग दैट हब. तो उस टाइम पीरियड पे मैक्सिमम लोग क्या कर रहे थे, बिकॉज देर वॉज अ ह्यूज ग्रोथ हैपनिंग हियर, लोग यहां से पैसा लेते थे फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड और वो इन्वेस्ट करते थे एशिया के अंदर. नाउ द प्रॉब्लम वॉज धीरे धीरे ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट बिकेम rampant to a point where people started taking loans. वो लोग लोन लेते थे यहाँ पे डॉलर पे और उस लोन को वहां इन्वेस्ट करते थे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और बाकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ये सोचते हुए कि जब वहां पे प्रॉफिट आएगा आई विल बी एबल टू पे बैक द लोन्स. ये क्राइसिस इज वेरी सिमिलर टू द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट इंडिया इज गोइंग टू गो थ्रू इन 2011-12.
बट कमिंग बैक टू दिस, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है ईस्ट एशिया की वो बहुत ज्यादा फूलने लगती है, इट बिकम्स अ बलून इकोनॉमी बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वर बीइंग फाइनेंस्ड यहाँ पे वर बीइंग फाइनेंस्ड थ्रू द डेट टेकन फ्रॉम ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज. तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा फनल हो रहा था, मैक्सिमम जो पैसा था वो लोन के हिसाब से फनल हो रहा था. और इसी टाइम पीरियड में बहुत सारी ये जो कंट्रीज थी इन्होंने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करना शुरू कर दिया, स्पेशली थाईलैंड. थाईलैंड ने डिसाइड किया कि वी विल कंस्ट्रक्ट बैंकॉक टू बी द नेक्स्ट फाइनेंशियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. हम वहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे. एंड यू कैन ऑलरेडी सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस. देयर कम्स अ पॉइंट जब इस चीज़ की हवा लगने लगती है फाइनेंशियल मार्केट को, लोगों को पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग फाइनेंस्ड हियर आर फाइनेंस्ड थ्रू लोन्स. तो जैसे ही उनको ये हवा लगने लगती है, अगेन आई एम ट्राइंग टू समराइज दिस इन अ वेरी शॉर्ट सॉर्ट ऑफ अ समरी, बट इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन द हिस्ट्री ऑफ दिस क्राइसिस लेट मी नो. सो लोगों को जैसे ही हवा लगने लगती है कि द क्राइसिस इज अनफोल्डिंग, कि यहाँ पे जो बबल इकोनॉमी है वो इट्स एक्चुअली बबल इकोनॉमी, कि वहाँ पे जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो लोन के पैसों के थ्रू आ रहा है, धीरे धीरे पीपल स्टार्ट रिग्रेसिंग एंड टेकिंग अवे देयर मनी. अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पीरियड पे यूएस ने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स थे उसको डिफर करना शुरू कर दिया था. वहाँ पे जो उनका फेडरल रिजर्व है उन्होंने उनके इंटरेस्ट रेट्स को डिफर करना शुरू कर दिया था. उसकी वजह से लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव लगता था बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स हाई था. सो यू वुड गेट अलॉट ऑफ गुड रिटर्न आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. प्रॉब्लम वॉज जैसे ही वहाँ पे फाइनेंस उनके द रिजर्व बैंक द they started getting the interest rates low increased again, jab wahan pe interest rate dobara badhya hone lag jata hai, ye jo attractive area tha investment ka wo dheere dheere change hoke wapas us ho jata hai. log yahan se paise nikalne lagte hain, jaise hi paise nikalne lagte hain itne jo bade bade infrastructure projects ban rahe the wo achanak se thap ho jate hain. ab because wo already unke upar pressure ye tha ki jab wo banenge unke through jo profit aayega usse wo loan pay karenge, when this whole bubble bursts पूरा का पूरा इकोनॉमी starts collapsing. Excuse me. 5 years ago today, the government faced one of the biggest financial crises in history. It was incredible. You can hear wave after wave of selling hitting the market. It was a day when the Bank of England lost billions and speculators made fortunes. It was in excess of $1 billion of profits. Have I lost 15%? A day of disaster from which the government never recovered. It was quite clear the government was not in charge of events. I had no doubt we were in the middle of quite the biggest political crisis I can remember. To a point where unki jo currency hai, that starts getting devalued and that ends up affecting the whole global economy, the whole global market. Aur ye itna bada crisis tha ki saath ke saath ye jo G7 G8 hai, they started making बिग मूव्स. जो सबसे बड़ा मूव इन्होंने किया था, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम G7 G8 जो हैं, वी द सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज, हम अकेले पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को नहीं संभाल सकते बिकॉज दिस एशियन क्राइसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. सो बिकॉज दे कुडंट डू इट उस टाइम पीरियड पे, व्हाट दे डिड वाज दे वेंट अहेड स्पोक विद द IMF. IMF ने उस टाइम पीरियड पे एक नया सिस्टम बनाया था विच वॉज नोन एज द न्यू अग्रीमेंट टू बोरो. अब इसके थ्रू उन्होंने IMF ने बहुत सारी कंट्रीज को हेल्प किया. दे गेव अ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू 26 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स एंड इसी के थ्रू दे डिसाइडेड कि यू नो वॉट, वी नीड अ बेटर सिस्टम जहाँ पे वी हैव द other emerging economies taking part in this global communication. ये जो हम global organization कर रहे हैं with the present economies, यहाँ पे सिर्फ हम हमारी developed economies से काम नहीं चलेगा. We need these emerging developing countries and that's where the G22 comes in. In fact, उस time period पे ये जो IMF था, उन्होंने जब ये credit line देना शुरू किया था इन countries को बचाने के लिए, उन्होंने बोला था कि we need to make bigger bodies. So it was actually IMF and NAB, jo the new agreement of borrowing hai, jinhone ye G22 and again the next year G33 ki sthapna ki thi. Ab ye G22 aur G33 kya tha? Hua ye tha ki finally jab ye
प्रॉब्लम सामने आने लगती है ऑफ द होल एशियन क्राइसिस, दे डिसाइड कि वी नीड टू टेक इन द अकाउंट ऑफ ऑल दीज इमर्जिंग इकोनॉमीज. फिर इन लोगों को बुलाया जाता है एंड फाइनली एक मीटिंग करी जाती है जिसमें G7 प्लस ये 15 कंट्रीज लिए जाते हैं, विच वर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, पोलैंड, रशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड थाईलैंड. अब इस मीटिंग में दे कम अप विद अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, बट देन नेक्स्ट ईयर व्हिच हैपेंस इन 1998 सेकंड मीटिंग में दे एंड अप कॉलिंग बेल्जियम, नेदरलैंड्स, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड एज वेल. Now, when they start talking about these global crises and everything, उस time period में इस group को as an ad hoc group देखा जाता था कि okay, crisis हुआ, the Asian market went into crisis, तो हमने बहुत सारी Asian economies को हमारे साथ बुला लिया. तो जब अगली बार meeting होती है, they call even more countries and that became the G33. Now, G33 was a system where they ended up calling मोर कंट्रीज ऑन टॉप ऑफ G22 था, उसके साथ साथ दे एंड अप कॉलिंग चिले, कोडिव्योर, इजिप्ट, मोरक्को, नेदरलैंड्स, सऊदी अरेबिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, इन सबको बुलाया गया एंड देन इनके साथ डिस्कशंस करी गई. अब प्रॉब्लम यही हो रही थी कि ये जो एडहॉक कम्युनिकेशन था ना, दैट वॉज नॉट रियली कमिंग टू एनीथिंग, बिकॉज आप लोग अभी यहाँ पे बैठ के बहुत सारी चर्चा कर लोगे, बहुत सारी मीटिंग्स कर लोगे, बट अगर आपकी बॉडी G7 ही है और बस इन लोगों को बुलाया जा रहा है आपसे चर्चा करने के लिए, दैट वुडंट रिजल्ट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. कोई भी डिसीजन मेकिंग वहाँ से नहीं निकल पाएगी. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम विथ दिस होल G7 एंड देन रैंडमली कॉलिंग 22-23 कंट्रीज वॉज दिस. बट यहाँ पे एक अंडरलाइंग इकोनॉमिक इशू, एक अंडरलाइंग पॉलिटिकल इशू भी था, विच वॉज दैट ये जो G7 कंट्रीज थी ना, ये अपना पावर इन इमर्जिंग कंट्रीज का साथ डायरेक्टली शेयर करने के लिए, रेडीली एक टेबल शेयर करने के लिए उस टाइम पे रेडी नहीं थी. बट अगेन दे रियलाइज्ड कि अगर वो नहीं करेंगे देन दिस होल G7 हैज नो मीनिंग. सो फाइनली व्हाट हैपेंस इज वी हैव द कनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर टू थैंक फॉर दिस. पॉल मार्टिन जो उस टाइम पे कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रपोजल भेजा US के फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी को कि वी शुड हैव अ परमानेंट बॉडी, अ परमानेंट इनफॉर्मल बॉडी जो हमारी आगे आने वाली ग्लोबल क्राइसिस को देखेगी, बूझेगी और एक परमानेंट इकोनॉमिक फोरम बनाएगी जिसके थ्रू हम इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकें. एंड दिस फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, ये जो उन्होंने आइडिया दिया था, दिस बिकेम द ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया फॉर G20. उन्होंने ये आइडिया दिया एंड फाइनली ये आइडिया अप्रूव किया गया एंड देन देयर वाज अ कम्युनिके दैट वाज रिलीज्ड इन 1999 में एक कम्युनिके रिलीज किया गया कि हम द G8 कंट्रीज विल इंक्लूड अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, South Africa, Republic of Korea, Turkey, and the European Union as the 20th member. Now, यहाँ पे there is one exception of Russia. Russia की जो membership थी, वो continue हुई थी till 2013. But then 2013, the whole war between Russia and Ukraine breaks out, and because this whole war breaks out, there's a suspension of conversations with Russia. Russia को invite नहीं करा जाता. In fact, एक सोची में dialogue होने वाला था of the G7 and then they ended up boycotting the dialogue and then Russia has so far not sort of been a official part of G20. But yeah, that is how G20 came in. But yahan pe I want you to focus on one word, which was the idea that this was going to be an informal framework. And ye hamare liye ek bahut bada terminology hai, that this was going to be an informal framework. Why? Because you have to understand, ये जो G20 है, this group G20, जिसमें 85% of the world GDP है, जिसमें 3/4 of the global trade by volume है, जिसमें 2/3 of the world population आता है, it is actually not a formal body. Formal bodies का usually क्या होता है? They have a charter. उनका एक charter होता है, एक constitution होता है, या फिर एक article of agreement होता है, जिसको sign करा जाता है, और उसको sign करने के बाद, उस charter के हिसाब से एक body की functioning कराई जाती है, जैसे UN, IMF, all of these are chartered bodies.
But G20 is not. G20 is an informal body, which, again, what does that mean? That means that there is no legal obligation to any of the things that G20 does. ये जो G20 चाहे वो कोई भी decision ले, चाहे कुछ भी करे, वो legally binding नहीं है and they cannot be enforced on the countries. So, again, that also means that G20 does not have a permanent secretariat. G20 does not have a permanent office. In fact, G20 की जो जिसकी presidency होती है जिस country की, वो एक temporary secretariat बनाते हैं इस G20 की functioning के लिए और उसी के through सारा का सारा काम करवाया जाता है. और because of all of these reasons, the big question is, अगर G20 के चीजें enforceable नहीं है, अगर G20 का कोई legal obligation ही नहीं है, then what is the point of G20? And that is something that we will cover in our next video, in our video series about G20. So I hope, आज की वीडियो में, at least ये clear हो चुका है कि ये G20 आया कहां से था? How did it become an economic global crisis solving body? So in the next video, we will look into what actually does G20 do, and uske baad obviously our focus will go to India and how the India's presidency changes G20. I am Arnab Pathy, you're watching Arnab Teaches, and I'll see you in the next video. Thank you so much.